हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद अ मंथली चार्ट। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर बंद हुआ है लगभग 67,900 के अराउंड, लगभग 600 रुपए नीचे, लगभग 1% डाउन बंद हुआ था। और यहाँ जो है तो सिल्वर में भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ऊपर के लेवल से हम 73 प्लस गए थे, वहाँ से अभी 67 पे आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर सिल्वर पे आ रहा है। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट सिल्वर में आ चुका है। यहाँ फिर भी हम एज कंपेयर टू गोल्ड यहाँ बुलिश लग रहा है सिल्वर, और हो सकता है कि आगे चल के नीचे के लेवल टेस्ट करने के बाद यहाँ फिर से हम ऊपर के टारगेट शायद सिल्वर में आते हुए देख सकते हैं। मगर यहाँ जो है तो करेक्टिव साइंस दिख रहे हैं और शायद हम 62,000 के तरफ बढ़ सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। अगर हम 65,000 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेंड भी बेरिश हो जाएगा, और यहाँ फिर बाद में जो है तो ज़्यादा नीचे के लेवल आने की भी संभावना आ जाती है। उसके नीचे 62,000 का सपोर्ट है, अगर उसके नीचे स्लिप हुआ और मंथली क्लोजिंग हुई तो यहाँ जो है तो डीपर करेक्शन भी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो करेक्टिव पैटर्न है और हम नीचे के लेवल देख सकते हैं ड्यू टू करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो लास्ट वीक हमने लगभग 2% का गेन देखा था, और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव में बंद होने में कामयाब हुए थे। लगभग 1200 रुपए के गेंस के साथ बंद हुए थे। इस वीक हम लगभग 3.5% नीचे बंद हो रहे हैं, लगभग 2500 रुपए लॉस के साथ। तो यहाँ क्लियरली दिखाता है कि सिल्वर जो है तो करेक्शन में जा रहा है, और यहाँ करेक्शन ये 65,000 तक आ सकता है। नीचे जो है तो 65,000 64,700 के मेजर सपोर्ट जोन है, तो उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। और यहाँ सिल्वर एज पर वीकली चार्ट सेल ऑन राइज रहेगा, ऊपर के लेवल पे सेल करना है, और नीचे जो टारगेट रहेगा हमारा वो अराउंड 65,000 रहेगा एज पर वीकली चार्ट। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सभी टारगेट अचीव करने के बाद अभी सिल्वर जो है तो पिवट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। यहाँ अगर आप हमें सिल्वर जो है तो 70,000 और 70,500 के अराउंड मिलता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट बनेगा विथ अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा वो रहेगा लगभग 1:4, 1:5 का। अगर उन लेवल पे बैठ मिलता है सिल्वर तो हम सेल करेंगे सिल्वर को विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 500 से 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे उस ट्रेड के लिए। और नीचे जो मुझे लगता है हम 65,000 और 65,500 के लेवल जो है तो सिल्वर में आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। यहाँ बाउंस बैक आएगा कि नहीं वो बता नहीं सकते, हो सकता है कि हमें बाउंस बैक देखने को भी मिले। अगर आता है तो उस लेवल पे आपको जो है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा और आप उस लेवल पे शॉर्ट जा सकते हो। अगर बाउंस बैक नहीं आया और हम जो है तो 20 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे स्लिप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस फ्री 20 डेज एवरेज के ऊपर रखना है, और आपके टारगेट सेम रहेंगे 65,000 आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से भी अगर 65,000 देखते हो तो लगभग 2 से 2500 पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट बनता है। अगर 70,000 से देखोगे तो आपको लगभग 5,000 रुपीज़ का नीचे की तरफ टारगेट मिलता है। तो आई मोस्टली प्रीफर सेल ऑन राइज बट अराउंड 70,000-70,500, तो वो अच्छा खासा सेफ लेवल रहेगा सेल करने के लिए सिल्वर को। और यहाँ बाउंस बैक भी हमें देखने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक को हम शॉर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर बाउंस बैक आता है तो उसमें आप इंट्राडे लॉन्ग भी ले सकते हो। आई मोस्टली विल नॉट प्रिफर टू कैरी लॉन्ग्स, लॉन्ग पोजिशन में कैरी नहीं करना चाहूँगा। इंट्राडे में हम लॉन्ग कर सकते हैं। आई विल मोस्टली फाइंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और उन पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि एक डीपर करेक्शन शायद सिल्वर में आ सकता है जिसके टारगेट हमें 65,000-64,500 के अराउंड देखने को मिलेंगे। तो हमने डेली चार्ट देखा, यह अभी करेक्टिव पैटर्न है, और यहाँ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी वीकली चार्ट पे तो क्लियरली सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है। और यहाँ एक हम जो है तो डीपर करेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो आगे चल के कंटिन्यू होगा। मंथली चार्ट पे भी यहाँ जो है तो करेक्टिव पैटर्न है, बुलिश है मगर करेक्टिव पैटर्न है, तो नीचे के लेवल भी हम देख सकते हैं।
अगर ये सिल्वर नेगेटिव होता है फॉर मंथ, तो हम 62,000 के भी लेवल सिल्वर में आते हुए देख सकते हैं, जो कि उसका 20 मंथ का एवरेज है, उसको टेस्ट करने के लिए सिल्वर उस लेवल पे जा सकता है। तो ये जो है तो एक बड़ी सी कैंडल बनेगी और वो दिखाती है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, और ऐसे जो टाइम रहते हैं उसमें आपको वोलेटिलिटी बुलियंस, इक्विटी मार्केट और करेंसी मार्केट सभी जगह देखने को मिलती है, वो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ भी करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ भी जो है तो मोस्टली नीचे के लेवल का वेट करेंगे। अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन शुरू करना है 62,000 के अराउंड। अगर आपको वैल्यू बाय करना है तो आपको 50,000 का वेट करना है सिल्वर में। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में विद सपोर्ट एंड फॉलोअप ट्रेड करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन माई प्रीमियम सर्विस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।